ये खबर चंडीगढ़ से है। सेक्टर 32 अस्पताल में इलाज के लिए एक कैदी आया था और फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस पर केस दर्ज किया गया है। एएसआई और हेड कांस्टेबल पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में कैदियों को कई बार लेकर आया जाता है जब उनकी तबीयत खराब होती है या वो बीमार होते हैं, और ऐसे ही एक कैदी को अस्पताल में लाया गया था। इसी दौरान एएसआई और हेड कांस्टेबल को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। वहीं एएसआई और हेड कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेक्टर 32 अस्पताल में इलाज के लिए आया हुआ कैदी फरार हो गया। पुलिस की ही समस्या बढ़ गई है कि पुलिस को चकमा देकर एक तरफ कैदी फरार हुआ है, वही हेड कांस्टेबल और एएसआई पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं और केस दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ से है बड़ी खबर। इलाज करवाने आया कैदी मौके से फरार हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी है हमारी संवाददाता पूजा वर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ। जी पूजा, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है कि कैदी मौके से फरार हो गया है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आरती, अगर आपको बताएं तो ये अंबाला सेंट्रल जेल से इस कैदी को लेकर आए थे, और इस मामले में जो है अंबाला सेंट्रल जेल के ही एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल जो है ड्यूटी के तहत उन्हें सेक्टर 32 के जो सरकारी अस्पताल है चंडीगढ़ में वहां लेकर आए थे, जहां इलाज के दौरान वो वहां से फरार हो गए। हालांकि अभी तक जो जानकारी ये मिल पा रही है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाना पुलिस ने दोनों एएसआई और हेड कांस्टेबल के बयानों पर जो है केस दर्ज कर लिया है, और आरोपी जो मुलजिम है उसकी पहचान जो है अजय के तौर पर हुई है, जो कि पिंजौर का रहने वाला है। और अभी जो है फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाल रही है सेक्टर 32 सरकारी हॉस्पिटल के, और उनकी जांच में जुट चुकी है। हालांकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है इस बारे में कि क्या अभी तक कहां तक प्रोग्रेस हुई है ये जांच, लेकिन ये आपको बता दें कि पुलिस जो है जांच में जुट चुकी है। जी आरती, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आया एक कैदी मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है और अस्पताल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है। वहीं आरोपी अजय पिंजौर का रहने वाला बताया जा रहा है।